खबर चंपावत टनकपुर से। मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने एक दिवसीय दौरे के तहत चंपावत विधानसभा के टनकपुर क्षेत्र पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चंपावत के तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा के लोगों की समस्याओं के जल्द निवारण हेतु सीमांत क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने के उद्देश्य से टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आगंतुक जनता को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास हेतु किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत विधानसभा का सर्वांगीण विकास ही हमारी प्राथमिकता है। ये कार्यालय इसी उद्देश्य से कार्य करेगा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने नए कैंप कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से जुड़े शिकायत पत्र और ज्ञापन भी सौंपा। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं के जल्द समाधान हेतु स्थानीय अधिकारियों और आम जनता में समन्वय बनाने का कार्य ये कार्यालय करेगा। सही मामले में कोई मुद्दा नहीं है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने स्वयं ही मुहिम छोड़ी है और ये कोई इसका हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। हमने कहा है कि इसमें ये बात नहीं है कि इस कालखंड में कौन सा घोटाला हुआ, कौन से घपले हुए हैं। चाहे जिस कालखंड में भी घोटाले हुए हैं उसकी जाँच हो रही है। एसटीएफ उत्तराखंड की जाँच कर रही है। कुछ मामलों में विजिलेंस जाँच शुरू करने वाली है। जो भी मामले सामने आएंगे उसमें कार्रवाई होगी। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने आप देख रहे होंगे कि किस गिरफ्तारियाँ अभी तक हो चुकी हैं और आगे अभी बहुत सारी होंगी। सर कोई भी हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कितनी पहुँच वाला क्यों ना हो, इस कार्रवाई से वो बचेगा। सर विपक्ष खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत टनकपुर उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।